या मैं सोच रहा हूँ गाड़ी ले ही लेते हैं, अब बहुत टाइम हो गया थाईलैंड में बिना गाड़ी के। ये वाली देखने चले? यस चलो। Are you ready? Yes, yes. Okay, let's go. तो थाईलैंड में हमारे पास दो तीन ऑप्शन है गाड़ी खरीदने के। पहला तो है टोयोटा, टोयोटा तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सेकेंडली आई थिंक MG भी बड़ा अच्छा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक कार्स भी हैं, पर उतना हमारा बजट नहीं है। सो वहाँ पे कोई नॉर्मल फ्यूल वाली गाड़ी देख लेते हैं। और उसके बाद एक्चुअली हमने होंडा देखी, मैंने रोड पे चलती हुई देखी है। यहाँ पे होंडा का ना डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं है, भले ही कार तो बड़ी अच्छी होगी। सो फिलहाल के लिए हम रखते हैं दो ऑप्शंस, MG और टोयोटा। पाई फार हम सीखा टोयोटा मीटर। वो अरे आज तो लकी हो गए, मीटर पे चलने को रेडी हो गया ये। जब मैं यहाँ पे आया तो उस टाइम पे चल रहा था कोविड, तो यहाँ पे सारे के सारे टैक्सी वाले मीटर पे आराम से चल पड़ते थे। और मैं सोचता था यार कितने शरीफ लोग हैं ये लोग, तो मतलब आधी संस्कारी और एकदम मतलब बैठो और मीटर ऑन। अब जब टूरिस्ट वापस आ गए और हम रहते हैं एकदम टूरिस्टिक जगह पे सुकुमवित के अंदर, एक बंदा मीटर से चलने को राजी नहीं है। आज तो पता नहीं कितने अच्छे भागे हमारे कि भाई ये मान गया पहली बारी में, और ऊपर से जहाँ पे हमें जाना है वो भी टूरिस्टिक जगह नहीं है, तो वहाँ पे तो और नहीं जाते हैं ये लोग, सीधा 100, 200, 300 मांग लेते हैं। पर ये बंदा मान गया, पर इसने अभी तक ना मीटर ऑन नहीं किया है, तो उसको बोलता हूँ मीटर ऑन करने को। मीटर था तो हम आ चुके हैं अपने पहले शोरूम में जिसका नाम है टोयोटा। हमारा बजट है 6 लाख बाद, और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें यहाँ पे कौन कौन सी कार्स अवेलेबल हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे 6 लाख के अंदर अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। फॉर्चूनर ये है पहली गाड़ी इस रेंज में, टोयोटा यारिस, ये 5.5 लाख की है। कार के फीचर्स तो बड़े नॉर्मल से हैं, बट 5.5 लाख में ऑलमोस्ट ये फर्स्ट कैटेगरी है टोयोटा की। तो नॉर्मल मैनुअल AC है, और गियर यहाँ पे ऑटोमेटिक है, बिकॉज ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे मोस्टली ऑटोमेटिक गाड़ियाँ मिलती हैं। हैंड ब्रेक, टेक्सचर सिंथेटिक, सीट कवर्स हैं, नॉर्मल सी फर्स्ट रेंज कार है जो कि 5.5 लाख की है। ये गाड़ी एक्चुअली कैटेगरी आती है हैचपैक वाली लिरी है, और ये है टोयोटा यारिस, ये है फेवरेट कार फॉर्चूनर। यार इस गाड़ी के तो मज़े ही अलग हैं, बहुत ही प्रीमियम फील है इसकी। और ये गाड़ी फॉर्चूनर यहाँ पे बढ़ेगी आपको ऑलमोस्ट 13 लाख से शुरू होती है और 18-19 लाख तक में जाती है। फॉर्चूनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हैं। इंडिया और यहाँ का डिज़ाइन बराबर है? डिज़ाइन थोड़ा सा बराबर है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। हमें करेंसी कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, तो अगर इंडिया और थाईलैंड बड़ा सिमिलर है सैलरीज के मामले में, तो अगर वहाँ पे किसी की सैलरी इंडिया में 1 लाख रुपए है तो यहाँ पे 1 लाख बात होगी, तो उसके हिसाब से ही हमारे खर्चे भी होते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 16 लाख में तो फॉर्चूनर आपको इंडिया में नहीं मिलने वाली है। तो और 16 लाख में यहाँ पे भात में हमें फॉर्चूनर मिल सकती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे गाड़ियाँ सस्ती हैं। फिर आ गई ये वाली गाड़ी, ये एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। बैंकॉक में उतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट बैंकॉक के ऑफशोर रोड्स में जैसे फुकेत हो गया, पताया हो गया, हुआ हिन हो गया, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं। एक्चुअली मन तो मेरा भी बड़ा ज़्यादा है कि ऐसी वाली गाड़ी खरीदें, बट फिर पीछे डालेंगे क्या हम। तो ये गाड़ी तो बड़ी है बट इसका रेट उतना ज़्यादा नहीं है, रेट इसका ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास है। तो हमारे बजट में तो सिर्फ आई थिंक एक ही गाड़ी है, वो है ये वाली, बट इसका अपग्रेडेड वर्जन है ये वाला जिसका नाम है यारिस एटिव। ये है सिर्फ यारिस, और ये है यारिस एटिव जो यहाँ पे नहीं है, बट हम एक बार गए थे टोयोटा के एक शोरूम में जहाँ पे ये वाली अवेलेबल थी। बिकॉज इसके हैं 3 या 4 वर्जन्स। पहला वाला वर्जन तो आई थिंक हर एक गाड़ी का इसीलिए बनाया जाता है कि कोई ना खरीदे और उससे ऊपर वाला ही खरीदे, तो हमें उससे ऊपर वाला पसंद आया जो ऑलमोस्ट 580,000, सो 5,80,000 का है। बट अभी हम थोड़े से कन्फ्यूज हैं बिकॉज एक 6.5 लाख वाला भी वर्जन है जो बहुत ही अमेजिंग है, उसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल का एक एडिशनल ऑप्शन है, तो हमें ज़्यादा वो पसंद आ रहा है, और रियर AC भी है उसमें। बट अगर 6.5 लाख खर्च नहीं है
तो एक MG की भी गाड़ी देख लेते हैं, वो भी हमने सुना है बड़ी अच्छी है और 6.5 लाख में उसके अंदर सनरूफ भी है। सो अगर हम 6.5 लाख की गाड़ी लेंगे तो उसका हमें डाउन पेमेंट देना है 25%, मतलब 25% तो हर एक गाड़ी का देना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। तो डाउन पेमेंट पड़ेगा 1,60,000 के आसपास और EMI तो हम खुद चूज़ कर सकते हैं 4 साल 5 साल 6 साल। बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रेट ऑफ़ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। आई थिंक थाईलैंड में 2% से लेके 3% के बीच में रेट ऑफ़ इंटरेस्ट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप है। तो सो देखते हैं, अभी इन्होंने तो अपना फाइनल ऑफ़र दे दिया है, तो अब हम जाके MG में एक बार ट्राई कर लेते हैं कि वो कैसा ऑफ़र देते हैं और उनकी कार कितनी अच्छी है। चलो तो हमारा आ गया नेक्स्ट स्टॉप MG। इस गाड़ी के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, इलेक्ट्रिक कार्स बनाते थे ये शायद पहले, बट अब सब सेगमेंट में कार्स बना रहे हैं। तो हमारे 6 से 6.5 लाख के बीच में यहाँ पे भी गाड़ी अवेलेबल है, लेट्स सी। यार ये बड़ा ही प्रीमियम लुक दे रहा है इस गाड़ी का। इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए की ज़रूरत नहीं है, ये स्मार्ट बटन है। इसी इवेंट का पूरा इनका डिज़ाइन एकदम डायमंड टाइप का, क्रिस्टल शेप का कुछ बनाया हुआ है इन्होंने, और वही वाला डिज़ाइन यहाँ पे डैशबोर्ड पे और उस सब पे भी फॉलो किया है। कलर पैटर्न है वो भी बड़ा अच्छा है, ब्लैक वाइट एंड रेड कलर के अंदर इनका पूरा का कार डिज़ाइन है इंटीरियर वाला। एंड सी इसका बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग आ रही है। 2 यहाँ पे कप होल्डर्स हैं और इसमें पार्किंग ब्रेक है ये वाली, तो यहाँ पे वो हैंड ब्रेक नहीं होती, यहाँ पे ये वाली पार्किंग ब्रेक के लिए बटन दिया हुआ है, सो वो भी ऑटोमेटिक है। एंड सबसे यूनिक फीचर सनरूफ। आई थिंक इस रेंज में किसी भी कार में हमें सनरूफ अभी तक तो नहीं मिला था, तो अगर सनरूफ हमें 30-40,000 ज़्यादा दे के मिल जाता है मे बी कंसिडर तो कर सकते हैं। मैं MG5 आई स्मार्ट। और ये कितने की है? ये इन्होंने बोला ऑलमोस्ट शायद 6.5 या 7 लाख के बीच में, बहुत सारे मॉडल्स हैं इसके अंदर, सो 6.5 से 7 लाख। बट इसी का एक और वेरिएशन अब हम यहाँ वाले पे देखेंगे। सो ये गाड़ी ऑलमोस्ट सेम है और उस वाली गाड़ी से 60,000 बहुत कम पैसे में आती है, क्योंकि इसके अंदर सनरूफ नहीं है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। और सीट जो है उसके अंदर थी ब्लैक वाइट और रेड कलर में, यहाँ पे है सिर्फ ब्लैक और रेड कलर में। मुझे यही गाड़ी चाहिए। So, अभी हम लोग जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। अब ये है टेस्ट ड्राइव नंबर 2, जो हमारी छोटी वाली गाड़ी है MG5। यार अंदर ना एक बिल्ली फंस गई हुई है। ओह शिट। और ये तो इंजन भी इतना ज्यादा गरम वरम रहता है। अरे 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 डोंट वरी। हां ये तो सुन नहीं रही हो। डोंट ओ दे जॉई। तो हमने टेस्ट ड्राइव अपनी पूरी कर ली और हमने देखी ये वाली गाड़ी जो है MG5 और इसकी वैल्यू है 6,80,000 थाई बात, और इसके अंदर सनरूफ भी है। तो ये पहली कार थी जो हमने टेस्ट ड्राइव पे ली और फिर उसके बाद हमें ये वाली गाड़ी बहुत ही अच्छी लगी थी और इसकी वैल्यू है 9,20,000 HV5। सो 6,80,000 और 9,20,000, बड़ी टफ चॉइस है, पैसा भी उतना ज़्यादा वेरियंस नहीं है। सो कार तो हमने फाइनल कर ली, अब MG है या टोयोटा है और कौन सा वाला मॉडल है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। थैंक यू।